जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपीएस इंफोटेक्निक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस स्टॉक में देखेंगे तो एक एक दिन में 12-12.5% की तेज़ी देखने को मिली है। तो इस तेज़ी के बदौलत तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि अब ये स्टॉक उड़ने लगा है या रॉकेट की तरह उड़ेगा अभी कुछ ही समय में। तो इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिर्फ ये तेज़ी की बदौलत रॉकेट नहीं उड़ता है, ये सिर्फ एक दिन की तेज़ी है। इसके पहले की भी कहानी देखनी होगी और जो इसमें चल रहा है इस स्टॉक में उसके बदौलत इसमें आगे क्या हो सकता है, उन सारी बातों को समझना होगा। अब यहाँ पर हम लोग विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड को करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब वहां पर मैं आपको दिखा रहा था तो वहां पर इसका नाम एमपीएस इंफोटेक था और यहां पर देखेंगे तो विशेष इंफोटेक्निक्स इसका नाम है, क्योंकि ये अलग अलग वेबसाइट पर दो बेसिकली कंपनी एक ही नाम अलग अलग है, विशेष इंफोटेक्निक्स और एमपीएस इंफोटेक्निक। अलग अलग वेबसाइट पर कंपनी का नाम अलग अलग शो करता है। तो स्किनर की वेबसाइट पर विशेष इंफोटेक्निक्स का नाम आ रहा है। सबसे पहले इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से शॉर्ट टर्म में स्टॉक में क्या हो सकता है, फिर काम और फंडामेंटल की बदौलत आगे की बातों को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी मैंने आपके लिए एक साल का चार्ट ओपन किया और एक साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये तकरीबन 85 पैसा के आसपास का लेवल है, यानी कि 85 पैसा का इसने हाई लगाया था। और यह हाई लगाया था जुलाई 2022 में, जुलाई में लगाया था पिछले साल। तो सोचिए, अभी साल भर में स्टॉक अपने इस हाई तक नहीं पहुंचा और अभी इसका प्राइस कहां पर चल रहा है, यहां पर देखिए कि सबसे अपने निचले स्तर पर यानी कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस आ गया है। और यहां पर देख सकते हैं 40 पैसे के आसपास अभी इस स्टॉक का प्राइस आपको घूमते हुए दिखेगा, 40 पैसे के आसपास। और सबसे कमाल की बात यह कि ये स्टॉक देखिए जैसे लोअर सर्किट में रहते रहते नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये जब गिरता है तो लोगों को निकलने का मौका भी नहीं देता है। और अभी इस स्टॉक का प्राइस 40 से 45 पैसे के बीच में घूम रहा है। अभी क्या संभावना है कि प्राइस इस 40 और 45 पैसे के बीच में घूम रहा है, इसके ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। देखिए, जो क्वार्टर फोर का नंबर है, क्वार्टर फोर का नंबर तो अच्छा है, नंबर की बदौलत इसमें हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा, चूंकि सपोर्ट के पास है तो यहीं से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ उठेगा और 45 और 50 रुपये तक आपको इजीली जाते हुए दिख सकते हैं क्वार्टर फोर के नंबर की बदौलत। ये मेरा एनालिसिस है। क्वार्टर फोर के नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जिस कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए हैं ये रहा इस कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट। और क्वार्टर रिजल्ट में सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। देखिए, मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल्स बढ़ के 21 लाख के आसपास हुआ, जो कि पहले 10 लाख के आसपास था, उसके पहले 12 लाख के आसपास था। यानी पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वार्टर के नंबर में सेल्स हुआ वो अभी क्वार्टर फोर के नंबर में इस कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए दिखे हैं। सेल्स बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात है कि कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। जाहिर सी बात है, जब आपकी कमाई बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे उसी हिसाब में, तो कंपनी अपने खर्चे भी कर रही है। अच्छी बुरी बात यह है कि कंपनी का जितना कमाई नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो कंपनी ने खर्च कर दिया है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अवकाश से ज़्यादा जब खर्चा करते हैं तो क्या होता है, एक लॉस बढ़ता है। और अभी देखिए, अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लॉस में, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि कंपनी का जितना कमाई है उससे ज़्यादा कंपनी खर्च कर दे रही है। और ये लॉस भी देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में, आपको इस क्वार्टर की बात करूँ मतलब बेसिकली क्वार्टर फोर में, तो आपको बढ़ते हुए ही दिखा है। इस वजह से जैसे मैंने बताया कि चार्ट पर अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है जो 40 और 45 पैसे के बीच में घूम रहा है, तो क्या वो आपको मतलब इस रेंज से बाहर निकलते हुए दिखेगा, तो सेल्स में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा। इस वजह से स्पष्ट नहीं कह सकता कि ब्रेक आउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। अच्छी बात यह है कि अभी दोनों में से कुछ ये नहीं होता है तो ये आपको इसी रेंज में घूमते हुए दिख सकता है। और यहाँ पर यदि इस कंपनी के बाकी फंडामेंटल को डिस्कस करें तो देखें तकरीबन 151 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है, जो कि निगेटिव बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे निगेटिव बात तो यह है कि कंपनी का आरओई और आरओसी देखेंगे तो माइनस में है, यानी कि ये कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कोई भी कमाई कराकर नहीं देगी। जैसे मैंने आपको चार्ट पर भी बताया था कि साल भर में इसने 85 पैसा का हाई लगाया था और अभी 40 पैसा के आसपास चल रहा है, यानी कि साल भर में अपने हाई के आसपास भी नहीं पहुंचा। हाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे स्टॉक का पी अभी पता नहीं कितना है, तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी मतलब ठीक नहीं रहेगा। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कंपनी अभी सही नहीं है। बाकी यदि किसी का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और उसको इस कंपनी पर भरोसा है, उसको ऐसा लगता है कि कंपनी जो काम करती है, जैसे बेसिकली मैं बता दूँ तो कंपनी नेटवर्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसको आईटी सेक्टर पर भरोसा और इस कंपनी पर भरोसा है, वो अपना इन्वेस्टमेंट यदि किए हुए हैं तो वैसे तो पैसा तो आधा हो ही गया होगा। तो मैं कहूँगा उसको रहने दीजिए और इसमें भरोसा है तो बने रहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक है, जब चलता है तो फंडामेंटल वगैरह नहीं देखता, खूब खूब चलता है और आपका जो रिटर्न अभी निगेटिव है पॉजिटिव में हो जाएगा। बाकी न्यू लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वरना नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उम्मीद करता हूँ विशेष इन्फोटेक्निक्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और यदि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वाना MS.com फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।